सैटरडे और संडे, तो हमने सोचा थोड़ा सा आउटिंग तो बनता है क्योंकि। तो गाइज हम लोग एकदम रेडी हो चुके हैं और इस टाइम टाइम हो रहा है 4:30। कितने सुंदर है, तो देखिए गाइज, वाओ, ये आ चुकी हमारी बस। और अभी कहाँ पहुँचे हैं यहाँ पे? अभी मैं तो गाइस अभी मैं इनकी वीडियो अच्छे से ले सकती हूँ क्योंकि अभी ये बैठे हुए हैं, वरना ये वीडियो वाह 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 वाह, शाम का मज़ा ले रहा है ना। यहाँ पे कुल्लू दशहरा लगता है और गाइस यहाँ जिस तरह की बारिश लगी है ना यार, जिस तरह के तूफान आ रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि घरों में भी सेफ नहीं है खासकर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन अनदर वीडियो। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो गाइस आज है सैटरडे और अभी शाम के 3:30 हो रहे हैं, आई थिंक 3:30 बज रहे हैं और हम लोग रेडी हो रहे हैं थोड़ा सा आउटिंग के लिए जाते हैं, उन्होंने बोला क्योंकि उनकी आज छुट्टी है, 2 दिन की छुट्टी है सैटरडे और संडे, तो हमने सोचा थोड़ा सा आउटिंग तो बनता है। शाम के टाइम ही मज़ा आता है वैसे घूमने फिरने में। और गाइस मैं ऑलमोस्ट तैयार हो गई हूँ, कपड़े मैंने डाल दिए पर बाल वगैरह सारा भी बिखरे हुए हैं, बाल वगैरह बनाने रह गए हैं। तो ये है मेरा आज का आउटफिट और चलिए फिर चलते हैं कुल्लू की तरफ, आ जा रहे हैं हम कुल्लू। गाइस ज़्यादा दूर तो कहीं नहीं जा सकते हम घूमने फिरने क्योंकि आजकल हिमाचल के क्या ही बताऊँ, बहुत बहुत बुरे हाल है। तो अपने घरों में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। तो हमारे पास में ही है कुल्लू, तो भुंतर से थोड़ा ही आगे है, तो हमने सोचा कुल्लू तक तो जा ही सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मौसम ना बहुत अच्छा है यहाँ पे भुंतर में, कुल्लू में इस साइड। बट तो चलिए गाइस करते हैं ब्लॉग शुरू। मेक श्योर आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। सो गाइस थोड़ा सा बालों को स्ट्रेट करते हैं, तो गाइस हम लोग एकदम रेडी हो चुके हैं और इस टाइम टाइम हो रहा है 4:30 और हम लोग अभी निकल रहे हैं और इन्होंने ताला भी लगा दिया है, तो चलिए फिर चलते हैं घूमी घूमी। हाय इस घर के फ्लावर्स बड़े पसंद है गाइस, ये देखिए कितने सुंदर है। चलो चलो वरना डांट पड़ेगी हमें। तो देखिए गाइस पहले यहाँ से गाड़ियाँ नहीं चलती थी, अब तो बहुत सारी गाड़ियाँ चलनी शुरू हो चुकी है, ये देखिए। और आज का मौसम देखो यार, अभी तो ख़राब भी होने लग गया। ये देखिए गाइस ब्यास नदी, देखिए गाइस वाओ, इट्स वेरी यूनिक टेक्निक। सो गाइस हम लोग यहाँ बस का वेट कर रहे हैं मणिकरण चौक पे और मौसम देखो यार, सुबह बहुत अच्छा था, अभी काले काले बादल हो गए हैं। अभी हम कुल्लू की बस का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे बसेस आ ही नहीं रही हैं और 5 बजने वाले हैं। ये आ चुकी हमारी बस, तो चलिए फिर निकलते हैं कुल्लू की तरफ। तो गाइस बस में इतनी भीड़ है ना, मुझे तो एक सीट मिल गई पर हाय खड़े हो गए मैं बोला खड़े हो गए। गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं कुल्लू और
अभी हम लोग पैदल जा रहे हैं तित्ती मार्केट, और अभी कहाँ पहुँचे हैं यहाँ पे, बस थोड़ी देर में हम लोग वहाँ जाएंगे तित्ती मार्केट, और कुछ चीज़ें हमें वहाँ से परचेज करनी है। देखते हैं वहाँ पे अच्छी मिली तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे जाएंगे कहीं और, तो फिर चलते हैं। ब्लॉग बन रहा है भाई मेरे। पहुँच चुके हम तित्ती मार्केट, देखते हैं यहाँ से। अरे यहाँ तो मैं आई नहीं कभी भी। देखिए गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं, देखते हैं कुछ चीज़ें हमें लेनी है, जो मिली तो ठीक है नहीं तो। इधर नहीं मैं आई यार, यहाँ तो नहीं है, है? अच्छा सो गाइज अभी हम कर रहे हैं इनकी पेंट की शॉपिंग। तित्ती मार्केट से हमने ली सिर्फ दो चीज़ें, बाकी हमें पसंद नहीं आई। अब हम जा रहे हैं दूसरी मार्केट, अभी वहाँ पे चेक करते हैं कुछ। अभी आ गए हम एक दूसरी मार्केट, यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमें क्या मिलता है। क्या, अच्छा यहाँ बैठना, चलो फिर। तो गाइस अभी सोच रहे हैं कुछ खा लेते हैं, तो हम सभी शाम के कितने बजे, टाइम क्या हुआ? तो गाइस अभी शाम के 6 बजने वाले हैं, और हमें भूख भी लगी थी, तो हम इस प्यारी सी जगह में आ गए हैं कुछ खाने के लिए। और यहाँ पे हेलो हाय, अभी मैं तो गाइस अभी मैं इनकी वीडियो अच्छे से ले सकती हूँ क्योंकि अभी ये बैठे हुए वरना ये वीडियो बनाने ही नहीं देते हैं। अब बोलो, अब कुछ बोलना चाहोगे? भूख लगी है, ओके। ये है मेरा वेज सूप, और ये है इनका नॉन वेज सूप, है ना। मेरा सूप तो खत्म ही नहीं हुआ, इनका सूप तो खत्म हो गया। वाह फास्ट लोग। अब हम लेंगे कुछ जूते। ये कौन सा है स्टोर है? भीड़ वाह 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 वाह, शाम का मजा ले रहा है ना? ये देखो बाहर बैठा हुआ मजे से। यहाँ पे कुल्लू दशहरा लगता है, और गाइस यहाँ पे कितने सारे लोग खेल रहे हैं बड़े मजे से, और शाम का टाइम कितना सुंदर लग रहा है। वाओ अभी हम ले रहे हैं पेठा यहाँ पे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए यहाँ पे भुट्टे है, भुट्टा भुट्टा। अब कुछ फ्रूट ले लेते हैं गाइस। वाओ यहाँ लिए हमने सेब, बता रहे हैं ये। तो गाइस अभी शाम के 8 बज रहे हैं, और अब जाके हम लोग पहुंचे हैं घर। तो थोड़ी बहुत चीजें लेने को थी वो हमने ली, और कुछ चीजें नहीं मिली, तो अभी हम चेंज कर लेंगे, फिर फटाफट डिनर बनाते हैं। कुछ हल्का सा बनाएंगे, कड़ी चावल बनाएंगे हम गाइस। हो गया। तो हमने लाया है ठंडा ठंडा पानी, जिनको मैं भरूंगी मिल्टन बॉटल में, ताकि ठंडा ठंडा रहे और हमें पीने का बड़ा मजा आए।
ये इतना ठंडा पानी है, इतना ठंडा पानी है, मजा आएगा। ठंडे ठंडे पानी का आनंद लेते हुए तो अभी रात के 9 बज रहे हैं, 9 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, 9:05। तो मेरे कढ़ी चावल एकदम रेडी हो चुके हैं, क्योंकि गाइस हमने ना थोड़ा सा बाहर हैवी खा लिया, इसलिए हमने सोचा कि हम रात को लाइट सा खाना खाएंगे, वो खाएंगे कढ़ी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज है संडे और आज आराम से उठे हम लोग, क्योंकि ये देखिए गाइस बाहर का मौसम, यहाँ से कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, बस ऊपर की ये पहाड़ी दिखाई दे रही है जो कि बहुत सुंदर लग रही है। तो गाइस व्लॉग काफी बड़ा हो गया है, तो मैं करती हूँ इस व्लॉग का एंड और खाना बना लूंगी मैं अभी थोड़ी देर में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और गाइस हिमाचल में आप सबको पता है कि कितना बुरा हाल हो रखा है। पहली हमारे जो यहाँ पे है भुंतर है, कुल्लू साइड है, यहाँ पे कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही है, तो अच्छा है, हम लोगों को ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं है, सेफ है फिलहाल तो। बट गाइस पिछले कल और 2-3 दिनों से ना काफ़ी ज़्यादा मंडी साइड, नेटचौक साइड, सुंदरनगर साइड ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और वो जो सुकेती नदी है ना वो बहुत ज़्यादा आ गई है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है और घरों में घुस गया है गाइस पानी। इतना बुरा हाल है हिमाचल का ना कि क्या ही बताएं, किचन में आवाज़ गूंज रही है। और आप सब गाइस सेफ रहना, थोड़ा एक्टिव रहना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है कहीं भी। और हिमाचल के जिस तरह के हाल है ना यार कि क्या ही बताऊँ। और प्लीज़ सेफ रहो, सुरक्षित रहो, घरों में रहो और थोड़ा एक्टिव रहो, क्योंकि जिस तरह की बारिश लगी है ना यार, जिस तरह के तूफान आ रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि घरों में भी सेफ नहीं है, खासकर घर में सेफ नहीं, ऐसा लग रहा है कि कहीं से भी बारिश आ रही है, कहीं से भी पहाड़ टूट रहे हैं और पूरा पूरा गाँव, पूरा पूरे घर ले जा रहे हैं। सो गाइज बी सेफ और क्या बोल सकते हैं, ख्याल रखो अपना। बाय बाय, टेक केयर।